हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। चलिए इस सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा एवरेज का, एवरेज ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 8। 15 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी है? 8। लेकिन लेटर अब क्या ऑब्जर्व किया गया, उसमें से जो एक ऑब्जर्वेशन है 10, उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 15 लिख लिया। तो आपने बताना है करेक्ट एवरेज क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए एवरेज आपको कितनी दी जा रही है, एवरेज दी जा रही है आपको 15 ऑब्जर्वेशन की 8। कितनी ऑब्जर्वेशन की? 15 ऑब्जर्वेशन है। तो सम कितना होगा आपका? सम का फार्मूला होता है एवरेज मल्टीप्लाई में जो भी आपको डाटा दिया हो, ठीक है। इधर क्या है 15 और एवरेज कितनी है 8, तो टोटल आपका सम कितना बन जाएगा 120। टोटल सम बन गया नंबर्स का, जितने भी नंबर हैं टोटल नंबरों का सम कितना बन गया, 120 बन गया, ठीक है। लेकिन 120 में वन नंबर इज 10 इज रॉन्गली रिटन एज 15। हमने लिखना क्या था 10, लेकिन लिख क्या लिया, 15 लिख लिया। इसमें से हम माइनस 15 करेंगे और प्लस ऑफ 10 करेंगे, क्योंकि माइनस 15 हमने बाहर निकालना और 10 इधर लिखना था। तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5, 120 में से 5 जाएंगे तो 115। टोटल सम कितना हो गया, अब 115 सम हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए दोबारा से, तो एवरेज आप 15 ऑब्जर्वेशन की 8, तो एवरेज का फार्मूला होता क्या, सम बाय टोटल नंबर, एवरेज का जो फार्मूला रहता है। हमने सबसे पहले सम निकाला, सम का फार्मूला क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई में टोटल नंबर। तो एवरेज कितनी इधर दी जा रही है, 8 दी जा रही है, टोटल नंबर कितने हैं 15, तो सम कितना हो जाएगा इसका 120 सम हो गया। ऐसे इधर बनाया, लेकिन जो पूरे डाटा में से फिर हमने फाउंड किया, इधर हमने जब डाटा को रीचेक किया, हमने 10 लिखना था एक नंबर की जगह, लेकिन हमने उधर 15 लिख लिया है। अब हमने उस 15 को बाहर निकालना है क्योंकि डाटा को करेक्ट करना है, इसलिए माइनस 15 किया, और डाटा को करेक्ट करने के लिए 10 इंसर्ट करना था। 10 में से 15 माइनस करेंगे माइनस 5, 15 में से 120 में से माइनस 5 करेंगे तो 115 पूरे डाटा का सम आ गया, ठीक है। अब हमने निकाला क्या एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला क्या रहता है, सम बाय टोटल नंबर। तो एवरेज कितनी है आपकी हमने निकालनी है, सम कितना है 115 और टोटल नंबर कितने दिए हुए 15 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसे डिवाइड करिए, सबसे पहले 5 से काट सकते हो, 5 को 3 के साथ 15 और 5 को 2 के साथ 10 और कितना बचा 12, 5 को 3 के साथ 15 तो 23 आ गया, ठीक है। तो 3 को 7 के साथ करोगे, 3 को 7 के साथ करोगे 21 और कितना बचा 2 बचा, 2 का पॉइंट लगा के 20 हो जाएगा। और 3 को किसके साथ करेंगे, 6 के साथ 18 कर देंगे, ठीक है। और 2 द्वारा बच जाएगा यानी कि 7.66। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में सेंड करिए ने। तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बात करूं दोबारा सुन लीजिए, 15 ऑब्जर्वेशन का डाटा दिया था, एवरेज दिया था 8, लेकिन उधर फाउंड किया एक डाटा, उसमें से हमने रॉन्गली लिख लिया, लिखना कुछ और था लिखा कुछ और। तो हमने एवरेज बतानी है, सबसे पहले आपको पता होगा एवरेज का फार्मूला क्या रहता है, सम बाय टोटल नंबर। तो सम निकालना होगा एवरेज मल्टीप्लाई में टोटल नंबर। एवरेज कितनी दी जा रही है 8, टोटल नंबर कितने दिए जा रहे हैं 15, 15 को 8 से करोगे 120, सम निकल के आ गया 120, ठीक है। सम बन गया हमारे पास 120, तो सम आ गया 120 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पूरे सम में से 15 डाटा गलत था उसे बाहर निकाला, 10 को ऐड किया, सम दोबारा बन गया 115। अब हमने एवरेज निकालनी थी, जो भी सम है सम को डिवाइड किया टोटल नंबर में से, तो सम था 115, 115 को 15 से डिवाइड किया तो इधर काट के 23/3 आया। इसे कट करने के बाद 7.66 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। तो पूरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एवरेज ऑफ 12209 इवन नंबर। तो इधर आपका इवन नंबर आ गया, इवन नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, उन नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। तो एवरेज निकालनी होगी 1 से लेके 209 तक जो इवन नंबर है। इसका फार्मूला आपने सीखा होगा, अगर 1 टू n तक आपके क्या हो नेचुरल नंबर या इवन नंबर दिए हो तो उसका क्या रहता है, जो लास्ट आपका इवन होता है, लास्ट और इवन में 2 ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। तो जहां पे आपको लास्ट इवन देखिए, लास्ट इवन क्या आ जाएगा 208 और प्लस ऑफ 2 करोगे, डिवीजन में 2 करोगे, ठीक है, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो क्योंकि लास्ट इवन इधर 208 ही है, लास्ट का मतलब इसे नहीं देखना 209, इससे पहले जो डाटा में पूरा मिलेगा नंबर वो आपका लास्ट इवन नंबर होगा। 208 में 2 जोड़ेंगे तो 201 210, डिवीजन में 2, तो इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 को 10 से 20, 1 बचा, 2 को 5 से 10, तो 105
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे 1 to infinite जितने भी नंबर तक डाटा बोला होगा, जो भी वहां का लास्ट इवन होगा, लास्ट इवन में +2 करिए और डिवाइड में 2 करिए, आपको इसका जो एवरेज है वो मिल जाएगा। तो इसे जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है, एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज इज 64 kg। If the weight of the teacher added average increase by 1 kg, तो what was the teacher rate? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए एवरेज कितनी दी जा रही है, 64 दी जा रही है। फिर क्या हुआ, एवरेज 1 इंक्रीज हो गई, यानी कि 65 हुई होगी। एवरेज 1 इंक्रीज हुई, ठीक है, 1 इंक्रीज हुई, कितने बंदों की 1 इंक्रीज हुई, पहले 21 थे, फिर टीचर ऐड हुआ, तो 22 की कितनी कितनी ऐड होती गई, 122 में ऐड होता गया, ठीक है। यानी कि टोटल एज कितनी इंक्रीज हुई आपकी, 22 ईयर्स हुई। तो पहले कितनी थी, 64 थी, और 64 में कितना जोड़ोगे, 22, 4 और 2 6 6 और 2 8 86, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर आपने कंप्लीट डिटेल में बना के कमेंट सेक्शन में अपना भी बताना है, तो इसका आंसर आप होमवर्क में भी बताइए, डू इट योरसेल्फ वाले पार्ट में। मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपली नटशेल में बताया था, इसका आंसर आप डू इट योरसेल्फ वाले पार्ट में रखिए, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में बस इतना।